भारी अतिक्रमण कार्यों पर चला बुलडोजर एसडीएम एके सिंह की कार्यवाही। प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में दर्जन भर पक्के मकानों को 3 जेसीबी लगाकर ध्वस्त कराया गया। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन में हनमना खटखरी नेशनल हाईवे के किनारे पुराने हाईवे मार्ग से जोड़कर दर्जन भर दबंगों के द्वारा शासन की जमीन पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए हनमना एसडीएम एके सिंह सख्त हुए और पूरे प्रशासनिक टीम के साथ मौके में पहुंचकर दर्जन भर पक्के मकानों को जेसीबी से तोड़वा दिया गया। इस मौके पर पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किए जाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया था। अन्य मशीनों के साथ 3 जेसीबी मंगाई गई थी, साथ ही स्पेशल पुलिस फोर्स भी लगाए गए थे। इस दौरान प्रभारी तहसीलदार अजय मिश्रा मऊगंज डीओपी भी मौजूद रहे। प्रशासन की इस बड़ी कार्यवाही के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि अतिक्रमणकारियों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी सख्त हैं और उसी आदेश का प्रभाव आज देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर दादर पश्चिमी में हनमना एसडीएम व हनमना तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी गई है कि 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। बताया गया है कि आला अधिकारियों ने बड़ी सूझबूझ के साथ पहले अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी गई, इसके बाद वहां से अतिक्रमण हटा। हालांकि मौके पर मऊगंज एसडीओपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। क्या था सर वहां पे? ये नेशनल हाईवे की जमीन थी 136 नंबर की और उस पर 8-10 लोगों ने मिल करके अतिक्रमण किया हुआ था। तो पहले से ही तहसीलदार साहब ने उसके विधेयक लिए आदेश पारित किए थे और ये जब शुरुआत में उनको शुरुआत किए थे बनाना, तभी हस्तक्षेप आदेश हुआ था। पुलिस वाले भी गए थे काम बंद कराने के लिए, लेकिन वो शायद थोड़े से हठधर्मी लोग थे और उन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण करके वहाँ बना लिया था। और ज़मीन के पीछे जो भूमि स्वामी की ज़मीन थी उस पर भी वो अतिक्रमण करना चाह रहे थे। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई किए हैं। 12-14 कमरे का मकान था कारसी, उसको हटा दिए हैं। सामने उन लोगों ने और भी किया था कि नेशनल हाईवे के जो पट्टी है उसमें भी मिट्टी उट्टी डाल करके वहाँ और स्थायी स्ट्रक्चर बना करके वहाँ दुकान भी चालू करवाया था और उस दुकान को उन्होंने किराए से दे रखा था जी। तो वहाँ पर अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी था। इसी तरह से हम लोग और भी चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी इस तरह के अतिक्रमण होंगे तो उसको हटाएंगे, बारी बारी से हटाएंगे।